अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम को। माने अगर चाहते हैं कि दुश्मन ख़ुद आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, तो उसके लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल है। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए। हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर अंटोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप आमिर बनना चाहते हैं, अमल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेज ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी, आप शिरकत फरमा करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके दुश्मन ने तबाह बर्बाद कर रखा है आपके ऊपर जादू सिपली टोना किसी भी तरीके से, और आप ये चाहते हैं कि जैसे उसने हमें बर्बाद किया है, जैसे उसने हमारे घर को तबाह किया, कारोबार को तबाह किया, हमारी सेहत को डाउन किया है, जादू करवा के, सिपली करवा करके या टोना जादू करवा के, तो आप भी चाहते हैं कि वैसे उसके घर में लड़ाई झगड़े हों, वैसे उसके घर में तबाही बर्बादी हो, वैसे उसके घर में जो है जंग हो, आपस में लड़ें, कटें, मरें, तो उसके लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। जब आप थक चुके हों, पैमाने सब्र लबरेज़ हो चुका हो, तब इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि सबसे पहले पाक साफ़ हो जाए, रूबा क़िबला बैठ जाए, फिर आयतल कुर्सी शरीफ पहले पढ़े, नादी अली शरीफ पढ़े, किसी एक को जो है साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ के, साथ साथ मरतबा उसको पढ़ करके अपने ऊपर दम करें, फिर सफ़ेद कागज़ लेके काली पेन से लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे ऐन ऐन, फिर लाम, फिर मीम, वो आगे जैसे लिखा वैसे लिखे, फिर उसके बाद ऐन, फिर अली, फिर बे, फिर तीन, फिर ऐन, फिर बे, फिर 113, फिर 114, फिर उसके बाद नीचे लिखा है फला बिन फला, फला बिन फला, अस्वा अस्वा अस्वा, ठीक है ना? तो फला बिन फला जिन दिन के दरमियान लिखना है, सबका नाम लिखे, माँ का नाम लिख के, फिर उसके बाद इस तावीज़ को जलाएँ। जब ये तावीज़ जल जाए तो इस तावीज़ को नींबू के अंदर काट के डालें और उस नींबू को दरिया में या तालाब में या नदी में फेंक दें। जब फेंकने जाएँ तब भी अदल कुर्सी शरीफ ज़रूर पढ़ लें, फिर उसके बाद आप फेंक करके उसको चले आएँ। जब पीछे मुड़ करके आएंगे तो हो सकता है आपको किसी के पुकारने की या चीखने की या बुलाने की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन आप ज़रा सा भी कान उस पर नहीं रखेंगे, ठीक है? सुनेंगे नहीं, बस अपने घर चले आएँ। जब घर चले आएँ तो फिर अब दुश्मन के घर का माहौल पता करवाएँ। देखिएगा, जैसे अमल अंजाम देंगे उसका असर ये होगा फ़ौरन या तो फिर देर पा, यानी देर में, कि आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और बिल्कुल तहस नहस हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल भी। जहाँ तक हो सके सब्र करें, कुछ लोगों की फरमाइश थी इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया। अब आप सोच लें कि किस हद तक बेहतर है इसका इस्तेमाल करना और नहीं करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे सवाब-ए-दारैन समझ करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।